या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। यहाँ सूफिया ने बड़ी अजीब गरीब बात की है, वो फरमाते हैं सादिकीन से मुराद भी औलिया अल्लाह है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, सूफिया फरमाते हैं सादिकीन से मुराद भी औलिया है, यानी अल्लाह के वलियों का क़ुर्ब इख्तियार करो। क्यों? वो कहते हैं इसमें हर चंद के जब मैं औलिया कहता हूँ, याद रखिए इससे मुराद ये है कि औलिया भी उलमा होते हैं, वो पहले आलिम बनते हैं फिर वली बनते हैं। मैं उन उलमा की बात कर रहा हूँ जो तसव्वुफ से आ रही है, हा? जो तसव्वुफ से दूर है, रूहानियत से दूर है, हाँ कोरे। कदर क्या इनको छलकते हुए पैमानों की, भीख भी जिनको मुयस्सर नहीं मैं खानों की, भीख भी जिनको मुयस्सर नहीं मैं खानों की। और जब इन मैखानों में हाजिर होते हैं और ऐसे उलमा बैठे होते हैं तो फिर दिल कहता है कि निगाहें मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां ये बैठ गए मैं गदा बना के उठे, जहां वो बैठ गए मैं गदा बना के उठे। मैं गदा बना के सूफिया फरमाते हैं औलिया क्यों मुराद ली जाते हैं, वो कहते हैं لأن العلم قد يجتمع مع الكفر। ऐसा मुमकिन है अगर हम ये कहें कि उलमा का कुर्ब इख्तियार कर लो, फ़कत उलमा, तो ऐन मुमकिन है कि कोई आलिम होकर काफिर हो जाए। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये मुमकिन है कि कोई मौलवी होकर काफिर हो जाए, और यह भी मुमकिन है कि कोई काफिर मौलवी बन जाए। ये मुमकिन है, ये दोनों, ये इनमें उमूम खसूस मिन वजह है, ये कुल्लियैन मुतबायैन नहीं। ये मुमकिन है कि कोई मौलवी काफिर हो जाए, ये भी मुमकिन है कि कोई काफिर मौलवी बन जाए। अच्छा, गुलाम अहमद कादियानी देखा ना आपने, मौलवी था कि नहीं, काफिर हो गया, मौलवी था काफिर हो गया। और ऐसे भी होता है काफिर मौलवी बन जाए, वहाँ पर बरतानिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे भी लोग हैं, उन्हें हम कहें गोरे हैं, गैर मुस्लिम हैं। मैंने एक मरतबा कहा हम तौज़ीह तलवी पढ़ते हैं, वो कहते हैं नहीं, अत्तलवी हालत तौज़ीह कहो। कहा बड़ी बात है भाई, हाँ यानी इलम जानते हैं पढ़ते हैं लेकिन इन दोनों का आपस में आग और पानी का सा रिश्ता नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि कोई आलिम हो काफिर बन जाए, ऐसा मुमकिन है कोई काफिर हो आलिम बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई वली काफिर बन जाए। हाँ, और ऐसा भी नहीं होता कोई काफिर वली बन जाए। हाँ, अगर कोई वली काफिर हो जाए कुफर उसकी विलायत को खत्म कर देगा, और अगर कोई काफिर वली बन जाए तो विलायत उसके कुफर को खत्म कर देगी। इसीलिए फरमाया यहां मुराद औलिया अल्लाह है, لأن العلم قد يجتمع مع الكفر। ऐसा मुमकिन है कि कोई आलिम काफिर हो जाए, आप उसके इलम को देखकर कहें, इससे पूछते हैं उक्तुलुल मुशरिकीन का मतलब क्या है, इससे पूछते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का मतलब क्या है, वो तुम्हें गुमराह कर देगा। कहा उसके पास जाने की जरूरत नहीं, औलिया अल्लाह के पास जाओ। औलिया अल्लाह का इलम फकत किताबों तक महदूद नहीं है, औलिया अल्लाह किताबें भी देखते हैं और दिल की तहरीरें भी पढ़ते हैं, दिल की तहरीरें भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके कलूब उनके दिल बराहे रास्त कौनैन के वाली खिसरवे खूबा सयाहे लामका नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म का फैज हासिल करते हैं। औलिया अल्लाह की जमात ये वो जमात है कि अगर कुरान करीम की किसी आयत की तफसीर को समझना हो, इल्म भी पढ़ते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं और दिल को भी देखते हैं, क्योंकि उनका दिल बराहे रास्त मिश्काते नबूवत कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से फैज हासिल करता है। और वो इल्म मुस्तफ़ा जब उनके दिल में आता है फिर उन्हें किताबों का एहतियाज नहीं रहता, वो दिल को देखते रहते हैं। तू दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे, तू दिल को देखता रहे और पिछली रात होने दे, जुलूसे हुस्न तेरी जलवागाहे दिल से निकलेगा। मैं अपने दिल को यूं पेशे नजर सीमाब रखता हूं कि मेरा चांद जब निकला इसी मंजिल से निकलेगा।
कि मेरा चांद जब निकला, मदीने का चांद जब निकला, इसी मंजिल से निकलेगा। वो दिल को देखते हैं, तज़किया कल्ब के मराहिल तय करके जब उनका दिल पाक हो जाता है, आका करम फरमाते हैं, बराहे रास्त इल्म देते हैं, फिर उन्हें किताबों का एहतियाज नहीं रहता। वो दिल देख के फिर एक ही बात कहते हैं कि सफाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। उनकी बात